गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को संस्कृत में गणना, गणना यानी गिनती, जिसको कि इंग्लिश में आप लोग काउंटिंग बोलते हैं, वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो संस्कृत में काउंटिंग को क्या बोलेंगे? गणना। ये गणना है। तो जैसे कि आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया, मतलब और ये जो है संस्कृत, क्या हो गया? संस्कृत। तो मैं तीनों में लिख के आप लोगों को बता रही हूँ। ये क्या है? वन। वन को हिंदी में कैसे लिखेंगे? एक। और इसी को संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे? एकम। कैसे पढ़ेंगे? या एकम भी बोल सकते हैं, एकम, 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 एकम। देखो एक के लिए क्या बोलेंगे? एकम। एक के लिए बोलेंगे एकम, और बहुत सारे के लिए क्या बोलेंगे? एकम। एकम भी लिख सकते हैं और एकम भी लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है? टू। टू को क्या हिंदी में लिखते हैं? दो। टू को क्या लिखते हैं? दो। तो दो लिखते हैं। तो इसको अंग्रेजी, इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? दो। क्या लिखेंगे? दो। और थ्री को क्या लिखते हैं? तीन। थ्री को क्या लिखते हैं? तीन। तो इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? त्रय। क्या लिखेंगे? त्रय। फिर आएगा फोर। फोर को हिंदी में क्या लिखेंगे? चार। इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? चत्वारः। क्या लिखेंगे? चत्वारः। क्या लिखेंगे संस्कृत में? चत्वारः। उसके बाद आता है फाइव। फाइव को हिंदी में क्या लिखते हैं? पांच। हिंदी में क्या लिखेंगे? पांच। फाइव को हिंदी में पांच। और संस्कृत में पांच क्या लिखेंगे? पांच। पांच। अब हो गया सिक्स। सिक्स को हिंदी में क्या लिखेंगे? छह। हिंदी में क्या लिखते हैं? छह। छह। और संस्कृत में क्या लिखते हैं? षष्ठ। क्या लिखेंगे? षष्ठ। षष्ठ। या ऐसे भी लिखेंगे, षट। षट। समझते हैं? अब क्या है? सेवन। सेवन हिंदी में क्या लिखेंगे? सात। और संस्कृत में क्या लिखेंगे? सप्त। क्या लिखेंगे? सप्त। फिर क्या हो जाएगा? एट। तो हिंदी में इसका कैसे लिखेंगे? आठ। हिंदी में लिखेंगे आठ, और संस्कृत में कैसे लिखेंगे? अष्ट। क्या लिखेंगे? अष्ट। उसके बाद क्या है? नाइन। नाइन को हिंदी में क्या लिखते हैं? नौ। नाव नहीं, नौ। नौ क्या लिखते हैं? नौ। और संस्कृत में क्या लिखते हैं? नौ। संस्कृत में क्या लिखते हैं? नौ। और उसके बाद क्या आएगा? टेन। टेन को क्या हिंदी में लिखेंगे? दस। दस आता है ना लिखने सबको? तो दस। और संस्कृत में लिखेंगे दस। दस ये वाला शब्द हिंदी में, दस में ये वाला सा होगा, सपेरा वाला, और संस्कृत में क्या होगा? सर्जन वाला। ये ध्यान रखो। तो इस तरह से आपके संस्कृत के लिए 1 से 10 तक हो गए। संस्कृत में 1 से 10 तक एक गणना हो गया।
इसको आप लोग कॉपी में सुंदर राइटिंग में करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। कैसे लिखा जाता है वो ध्यान देंगे। जैसे वन, वन का क्या होगा एक, एक दो का क्या होगा टू का क्या होगा दो, दो थ्री का क्या होगा तीन, फोर का क्या होगा चार, चतवारा फाइव का क्या होगा पांच, पच और सिक्स का क्या होगा छह, सात सेवन का सात, सप्त एट का आठ, अष्ट नाइन का नौ, नव टेन का दस, दस। तो ये हो गए संस्कृत के सारे सर। तो आप लोग इसको कॉपी में कर लें और सुंदर राइटिंग में करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू। हाँ इसको देख।